तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। जिंदगी में पीछे रहने वाला सैफ बहुत आगे निकल चुका है सीनी, तुम्हारी सोच से भी बहुत आगे। तुम्हारी मोहब्बत ने उसी वक्त मेरे दिल में दम तोड़ दिया था जब तुमने ताया अबू के सामने उसे मानने से इनकार कर दिया था। शाहिद, चल बिटुआ जल्दी से ना रिक्शा लेकर, बल्कि ऐसा कर टैक्सी ले। क्यों, कहाँ जाना तुझे अब्बा? अरे तेरे ससुराल जाएंगे और कहाँ जाएंगे? क्यों, वहाँ क्यों जाना है? मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। शाहिद तुम भी वहाँ नहीं जाओगे? अरे अरे क्या हो गया बिटुआ? माँ है तेरी, घर है तेरा वो, और बात सुन, तेरी वजह से मैं अपनी भांजी से ताल्लुक नहीं तोड़ूंगा। लेकिन अम्मी नहीं चाहती थी कि मेरे और शाहिद की शादी हो। मैं तो खुद कल रात घर से भाग कर आई। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ बिटुआ, कितनी परेशान हो रही होगी वो, सोचा है तूने? अरे तुम दोनों ने जो करना था कर दिया ना, अब जाके गुलनाज से दुआएं लो। सोचो अगर गुलनाज को तेरी इत्तला ना मिली और वो पुलिस थाने चली गई तो क्या होगा? खामखा घर की बात बाजार में आ जाएगी। अरे तुम दोनों का बड़ा हूँ, फायदा ही सोचूंगा तुम्हारा, कोई उल्टी सीधी बात नहीं बताऊंगा तुम लोगों को। चल बे जल्दी से टैक्सी लेकर आ, तैयार हो जाओ तुम भी। मैं नहीं मानती ये सब, मैं नहीं मानती। तुम लोगों ने बहला फुसला कर सीमी को फंसा कर ये शादी करवाई है, मैं सबको नहीं मानती। अरे गुस्सा नहीं करते भांजी, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, अगर हमने ऐसे करना होता तो बहुत पहले का कर चुके होते। कितनी मर्तबा मैंने तुमसे सीमी और शाहिद के रिश्ते के लिए बात की, मगर तुमने हर मर्तबा हरी झंडी दिखला दी। सीमी ने खुद शाहिद को फोन किया था, इसने रजामंदी जाहिर की तो मैंने इन दोनों का निकाह पढ़वाया। सीमी, अरे अगर ऐसे छुपा के रखना होता तो मैं तेरी बेटी को यहाँ क्यों ले गया था? क्योंकि तुमने इसकी शादी अपने बेटे से इसके लिए नहीं, इसकी जायदाद के लिए की है। मैं जानती हूँ तुम्हें मामू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए इसे तुमसे दूर रखा, तुमसे बचा कर रखा आज तक। अरे क्या बचा के रखा तू, बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अगर जायदाद का लालच था भी तो क्या था? अरे शाहिद मामूजाद है तेरा, तेरी बेटी को हाथ के छाले की तरह रखता, वो तेरी भी खिदमत करता, लेकिन तुझे गवारा नहीं था कि जिनको मैंने सारी जिंदगी बीक दी है वो मेरे बराबर आकर बैठे, अब देख लिया उसका नतीजा। अरे नहीं सुननी मुझे तेरी बकवास, निकलो उठो निकलो यहाँ से फौरन, ये नहीं जाएगी तेरे साथ, ये हरगिज़ नहीं जाएगी गलीज़ लोगों के साथ उस गलीज़ माहौल में, समझे तू? अरे वाह, कौन सा गलत और घटिया माहौल, और तू किसे गंदा कह रही है, हमें या अपने आप को? अगर हम घटिया हैं तो तू कौन सा दूध की धुली हुई है? इतने साल हमने कुछ नहीं कहा तो क्या समझती है हम तेरी असलियत भूल गए? अरे शाहिद बेटा, अरे अब्बा एक सेकंड, आज मुझे जरा अपनी सास साहिबा से बात करने दे, इसे भी तो पता चले कि अगर हम कर हैं तो ये भी तो थी किसी जमाने में वहां पर।
भूल गई वो बात? अरे अब्बा भूल गई वो बात मशहूर। और आज बेगम को नाज बनकर बैठी। रुक जा सिमी, रुक जा, मेरी बात सुन, रुक जा सिमी, रुक जा सिमी, मत जा इन लोगों के साथ, मत जा, मेरी बात मान ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सिमी रुक जा। है चौहरे अम्मी मेरा, वही मेरा ससुराल। नहीं नहीं सिमी, दुआ देखी मुझे रुख्सत हो जा, नहीं हो सकता। सिमी खुदा के लिए रुक जा, लोग मुझे तबाह कर देंगे, तू नहीं जानती, मेरी बात मान ले, ना जा, जिस तरह इन लोगों ने मुझे सारी उम्र नोच के खाया है ना, तेरे साथ भी ऐसा ही कर, ये लोग तुझे बर्बाद कर देंगे तुझे। जिंदगी से तो मैं पहले ही हार चुकी थी अम्मी, सच सुनने के बाद तो कभी ना तो हरा ये बात, मेरा कोई कसूर नहीं कि मैं उस घराने में पैदा हो गई, सारी उम्र कोशिश करती रही वहां से भागने की, वहां से जान छुड़ाने की, अब तुझे वहीं पे जाता हुआ नहीं देख सकती, सीमी ना सीमी ना जा इसके साथ, सीमी ना जा, इसकी तकरीर कभी खत्म नहीं होगी, चल अब करो, चल मेरे साथ, सीमी मेरी बात सुन ले, सब रोको इसको, सीमी को रोको, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो हम लोगों से बदला लेने के लिए आया था अम्मी, पिछले तमाम सालों का हिसाब लेने के लिए आया था वो हमसे, हमारे खसारा आया अम्मी, सिर्फ खसारा। चल चल दीदी, मैं कह रहा हूँ चल मेरे साथ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि इख्तियार का लालच भी कितनी बुरी चीज होती है। एक वक्त था कि जिंदगी के दिन ताई अम्मी की मार से शुरू होकर ताई अबू के सख्त लफ्जों पर खत्म हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे ऑटो का बटन दबने से सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, और अब सब कुछ अपने इख्तियार में लेने के बाद भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। खुशफहमी है तुम्हारी, ये सब भी तुम गुलाम बन के ये कर रहे थे, बस अब फर्क कितना है कि कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी अना तुमसे ये करवा रही, और ये अना की गुलामी सबसे बदतर चीज है सर। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या सोचा है तुमने? फिलहाल तो ये सोचा है कि सोचना ही छोड़। सोच तो ये भी अच्छी है, लेकिन सोचना छोड़ने से जिंदगी कैसे गुजरेगी? जिंदगी की रफ्तार पर किसी के सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता सामने, सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी सारी जिंदगी मेरे हाथ की चाय पीते तो नहीं गुजरेगी?
बताओ तुमने क्या सोचा है? सारी जिंदगी मुझे चाय पिलाते भी तो नहीं गुजार सकती ना। जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। तुमने मुझे पागल बनाने की कोशिश की, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, मेरा घर तबाह करने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, आज तक जो भी किया है आपने किया है दायमी। मैं तो सिर्फ आपको आपका अक्स दिखा रहा हूं, सिर्फ वही कर रहा हूं जो आप दूसरों के साथ करती। बकवास मत करो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मुझ पर चीख कर गुस्सा करके अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती गुलनाज़। सैफ अब उतना कमजोर नहीं था, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात भी कर सकता है और तुम्हारी साजिशों का जवाब भी दे सकता है। समझते क्या हो, औकात क्या है तुम्हारी? दो टके के नौकर टुकड़ों पर पलने वाले, मेरे टुकड़ों पर फल कर तुम इतने बड़े हुए हो, मेरे टुकड़ों पर। और जिस जमीन पर खड़े होकर तुम मुझे नौकर होने का ताना दे रही हो, अगर तुम्हारे पांव के नीचे से खींच लो तो मरने की भी जगह ना मिले। ये सब कुछ मेरे बाप दादा की मीरास है। तुम चाहकर भी इस खानदान का हिस्सा नहीं बन सकती गुलनाज बेगम, क्योंकि तुम्हारी रगों में एक बाजारी खून है। नहीं, चुप करो तुम! नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, नहीं। तुम्हारी ये सब झूठ।
मैं तुमसे के साथ बहुत बुरा कर रहा था, तुमसे बर्बाद करने आया था, ताइमी से बदला लेने आया था। मैं ना तो सीमी से शादी करूंगा और ना ही तुमसे। अगर हम घटिया हैं, तो तू कौन सा धोखे दिली है? इतने साल हमने कुछ नहीं कहा, तो क्या समझती हम तेरी असलियत भूल गए? दिखा सकती मैं तुम्हें। अच्छा तो करके दिखाओ। गुलनास, कम से कम इतना तो एहसास कर लो कि बेटियों की माँ, उनकी तरबियत उनकी तालीम बहुत ही नाजुक मामला है। क्या कर रही हो आप? ये गुस्सा होंगे, उनको आता है क्या? हमेशा गुस्सा ही होता रहता है। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। था थाई थत थत थाई ठीक है। था थाई थत थत थाई जिंदा है, हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कर मरेंगी वो। मुझे नहीं पता। अल्लाह करे जल्दी मर जाए। जल्दी जाग गए तुम? हाँ, सारी रात नींद नहीं आई। क्यों? जब आप जानते हो कि जो आप चाहते हैं उसका इख्तियार किसी और के पास है, तो नींद कैसे आ सकती है? मैंने भी एक अरसा ऐसी कैफियत में गुजारी है, जानती हूँ इंतजार करना किस कदर मुश्किल काम है। क्या मतलब? हाँ, जो सवाल करके तुमने मुझे साहिब इख्तियार बना दिया, उसका जवाब सारी उम्र में तुम्हारी आंखों में तलाश करती रही। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मुझसे पहले ही किसी और के हो चुके थे।
ये बात तो मुझे आज बता रही हो। जिस मोहब्बत को लफ्जों की जरूरत पड़े उससे बेहतर तो नफरत है। कम से कम उसे बताने के लिए कोशिश तो नहीं करनी पड़ती। इतना अरसा तुमने ये बात अपने दिल में छुपा कर रखी और अब भी तुम मुझसे सोचने का वक्त मांग रही हो। साथ तो हमेशा से तुम्हारा चाहिए था। हाँ बस ये सोचना था कि मेरा ये अधूरापन तुम्हें मुकम्मल कर सकेगा कि नहीं। अब तुमने अपने ऊपर अगर तरस खाया तो मुझे डांट खाओगी। तुम मुझे डांटोगे? मैंने अभी तक हाँ नहीं की। तुमने खुद ही तो कहा है कि मोहब्बत को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा जवाब मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया ऐसा। एक तेरी कमी पूरी ना हुई वैसे तो मिला ये सारा जहां हर ओर तुझे को ढूंढे नजर इस दिल को बता ले जाऊं कहां। अगर कोई काम था तो आप मुझे बता देते, मैं आ जाती। क्यों? मैं इस कमरे में नहीं आ सकता। शाहिद कहाँ है? वाह वाह वाह, क्या कहने तुम्हारे। बीबी तुम उसकी पूछ मुझसे रही हो, ये बता के नहीं क्या? नहीं। अब इस घर का ख्याल तुझे रखना है, शाहिद को और मुझे संभालना है तुझे। सीमी, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो चाय पीने का दिल कर रहा था, सोचा सिम्मी से बोले कब चाय का बना दे। अब ये इस घर की बहू है, बावर्ची खाना तो इसे ही संभालना है। संभाल लेगी जब मुझे बेहतर लगेगा। फिलहाल तू इसे कोई भी काम नहीं कहेगा। नाज नखरे उठाने का इरादा है। ठीक है भाई, जो चाहे करवाएं या ना करवाएं, हम भला कौन होते हैं। खैर तुझे क्या हुआ? प्यार में
ये सब क्या हो गया? ये नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। किसी ने करो का भी नहीं तो उसे छोड़कर कैसे जा सकती? मैंने तो उसको मना किया था, मेरी बात तेरी सुनी, बेगम साहिबा मैं शहबाज खाना लेके आया हूँ। बेगम साहिबा आप कल से कमरे से बाहर नहीं निकली हैं और नेहा बीबी ने भी कुछ नहीं खाया पिया। ना मुझे तो करेगा। अरे इसका तो बाप भी चुप करेगा। क्योंकि इसका बाप बहुत फालतू बोलता है। तुम हमेशा सुफियान से सबसे ज्यादा प्यार करोगे ना? नहीं, तुमसे थोड़ा सा कम। हाँ अलबत्ता मैं इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। सामिया मैं जानता हूँ कि वालिदैन के बगैर पलने वाले बच्चों में क्या कमी रह जाती है। मैं कभी सुफियान में वो कमी नहीं रहने दूंगा। देखो चुप हो गया। मेरी एक बात मानोगे? अब तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। घर चलें। कहाँ? तायमी के पास? हाँ सिर्फ मैं चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी का आगाज बगैर किसी की आहों बद्दुआओं के हो। प्लीज चलो ना, चल के माफी मांगते हैं। सामिया तुम पागल हो? तुम्हें लगता है कि मैं वहां जाऊंगा और वो खामोशी से मुझे गले लगा लेंगे, सब कुछ भूल कर मुझे माफ कर देंगे? वो जो करें वो उनका मामला, हमें वो करना जो हमें करना चाहिए। देखो सामिया तुम्हें सब में पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सामना उन्हें से किसी के साथ भी मेरे हवाले से हो और वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे। अभी तुमसे नाम जुड़ा और अभी से ही तुमने अलग कर दिया।
वो सामिया तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो सैफ, आज तक तुमने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है, अब मेरी बात भी मान लो। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे कंधों पे गुजरे सालों का कोई बोझ ना रहे। आदाब। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको इस तरह देखेंगे तो। कौन है ये? अम्मी अब ये मेरी इज्जत है। मेरे सर से इज्जत उतार कर इसे देने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगी यावर। आप मुझे एक मौका तो दें। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निकल जाओ तुम लोग, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है। हवेली से शिफ्टिंग करना कोई आसान बात नहीं है, अभी तो इतना सारा सामान बाकी है। हाँ, सामान तो काफी रह गया अभी। ऐसे मुझे बहुत अजीब लग रहा है दादी जान की सारी पुरानी चीजें वहां से हटाकर। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, आखिर उन्हीं चीजों से तो हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं। हाँ, हमारी तो बहुत अच्छी यादें हैं वहां पे, लेकिन ताई अम्मी की उस हवेली से काफी तल्ख यादें वाबस्ता हैं। जब ही उन्हें यहां आना पड़ा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जैसे भी हैं वो मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जाती। कुदरत उन्हें
उनके किए की कड़ी सजा दे रही है। डॉक्टर्स भी कुछ खास पर उम्मीद नहीं है। नर्म के लिए नर्स रख के बहुत अच्छा किया। अब कम से कम 24 घंटे उनके पास कोई ना कोई होगा उनकी हेल्प करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। अरे हाँ, वो नर्स से याद आया, तुम उसे देख लेना, उसको कोई चीज की जरूरत हो तो दे देना। मैं नहीं चाहता कि ताई अम्मी के इलाज में कोई लापरवाही हो।